और ये जो है ना न्याय का मंदिर है, ये न्याय का मंदिर STP 19 शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षक विद्यक सभी को न्याय मिलेगी, चाहे जो हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हम लोग के साथ अन्याय नहीं। नई नियमावली 2023 आने के बाद सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठ रहे हैं। साथ ही साथ कई महागठबंधन के ही विधायक और MLC उन लोगों के साथ खड़े हैं, और जो परीक्षा की बातें हैं उस पर संशोधन करने की बातें हो रही है। यहां तक कि JDU के MLC ने कह दिया कि परीक्षा अभ्यर्थियों को नहीं देना है। बावजूद इसके सरकार इन सारी बातों पर अड़ी हुई है और परीक्षा का ये जो पैटर्न है उसे 4 दिनों के भीतर आने की बातें भी सामने आ रही है। ऐसे में अभ्यर्थी अब हतोत्साह होकर के हाईकोर्ट तो गए ही, साथ ही साथ अब सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, और सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी। नमस्कार साथियों, जितने अभी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसको नमस्कार। साथियों, हम सुप्रीम कोर्ट कल से ही दौड़ रहे हैं, तीनों आदमी, हम रुकेश भाई और वर्मा जी, कल से ही अपनी बातों को बड़े बड़े वकील साहब के पास जाके रखे हैं। फाइनली हम लोगों ने आज केस को सुपुर्द कर दिया है और रात में एक मीटिंग बाकी है, वो मीटिंग रात में करेंगे और फाइनल हो जाएगा। हम लोग फाइनल कर चुके हैं कि कौन से वकील होंगे और किस तरीके से केस लड़ा जाएगा। तो किसी भी सूरत में हम लोग जीतने वाले हैं, हम लोग जीतेंगे। और ये जो है ना न्याय का मंदिर है, ये न्याय का मंदिर STP 19 शिक्षक अभ्यर्थियों को, शिक्षक विद्यक सभी को न्याय मिलेगी, चाहे जो हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हम लोग के साथ अन्याय नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिलता है, न्याय के देवता यहाँ बैठे हुए हैं। जो सरकार अहंकारी नीति अपनाई हुई है, उस अहंकारी नीति को हम लोग यहाँ चैलेंज कर रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में साथियों हम लोग जीतेंगे, क्योंकि हम लोग के साथ छलावा सरकार किया है। हम लोग इस न्यायालय में आए हैं और जीत मिलेगी, चाहे कुछ भी हो हम लोग जीतेंगे। तो आप लोग को घबराना नहीं है, किसी भी सूरत में हम लोग की जीत सुनिश्चित होगी। और हमारे वकील साहब बड़े बड़े वकील साहब हैं, आपको मैंने कल बताया था, तो हमारी जीत सुनिश्चित होगी। रुपेश भाई बोले, रुपेश भाई बोलिए। नमस्कार साथियों, हम लोग कल से हैं अपने केस के सिलसिले में, सभी जितने भी टॉप मोस्ट वकील हैं यहाँ पे, उन सब से मिल लिया। कल से हम लगातार मिल ही रहे थे, अपने बातों को रख रहे थे, और जीत की सिक्योरिटी, जीत कैसे जीतेंगे 100%, यही हम सभी वकीलों से जानना चाह रहे थे कि क्या हमारी पक्ष है और इस पक्ष में हम लोग कैसे जीतेंगे 100%, ये बताइए। बात हुआ सब लोग से, अंत में हम लोग भी कल रात में विचार किए, फिर आज विचार करके हम लोगों ने केस को सौंप दिया है वकील के हाथ में। हम लोगों ने केस को सौंप दिया है, हम लोगों ने केस को सौंप दिया है। तो अब स्पष्ट हो गया है कि हमारी अब जीत सुप्रीम कोर्ट ही दिला पाएगी, अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ही जीत पाएंगे। तो हम लोग कमर कस लीजिए, आप सभी अभ्यर्थी सभी कहना चाहेंगे कि आप कमर कस लीजिए और कमर कस के तैयार रहिए। अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस दे चुके हैं, अब हमारी यह केस मजबूती से तैयार हो रही है, मजबूती से हम लोग केस को फाइल करेंगे, इसके लिए ड्राफ्ट तैयार हो रही है। साथियों, बस विशेष बात हम ज़्यादा फिर आएंगे आपसे तो फिर आगे हम बताएंगे। अभी तक हम लोग की जो रणनीति है उस रणनीति में हम लोग चल रहे हैं, और केस का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए हम लोगों ने वकील को दे दिया है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। अब बहुत जल्द हम लोगों का देखिएगा कि कोर्ट में केस हम लोग का जो है कि मेंशनिंग होगा, और हम लोग तुरंत आपको इसके आगे की बात बताएंगे, और फिर हम लोग लौटेंगे बिहार, वहाँ भी आ करके आप लोग से मिलेंगे। और जो भी अभ्यर्थी इस केस से जुड़ना चाहते हैं उन सब लोग से मिलेंगे, और सब लोग से मिल करके हम लोग उनको जो है कि बताएंगे क्या है, कैसे है आगे की रणनीति, और हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस केस को मजबूती से जीतेंगे। तो साथियों धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस तरह से शिक्षक अभ्यर्थी ने सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है कि परीक्षा तो किसी हालत में नहीं देंगे, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की बातें जो सामने कहे थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के भी दिखा दी हैं, और जो आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से होगी और जो निष्कर्ष निकल कर सामने आएगा अभ्यर्थी उसी को मानने को तैयार होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, पटना संकेत की रिपोर्ट।